गिनती की पुस्तक अध्याय चार। गिनती की पुस्तक अध्याय चार। लेवियों के कर्तव्य कर्म। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वालों की सेना में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भर्ती है और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा, अर्थात जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षीपत्र के संदूक को ढाप दे, तब वे उस पर सुइसों की खालों का ओहार डाले और उसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डाले और संदूक में डंडों को लगाए। फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करवों और उंडेलने के कटोरों को रखे और नित्य की रोटी भी उस पर हो। तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के ओहार से ढापे और मेज के डंडों को लगा दे। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलतराशों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उसकी सेवा टहल होती है ढापे। तब वे सारे सामान समेत दीवट को सुइसों की खालों के ओहार के भीतर रखकर डंडे पर धर दे। फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के ओहार से ढापे और उसके डंडों को लगा दे। तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है नीले कपड़े के भीतर रखकर सुइसों की खालों के ओहार के ढापे और डंडे पर धर दे। फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर पैंजनी रंग का कपड़ा बिछाए। तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है वह सब अर्थात उसके करछे, कांटे, फावड़िया और कटोरे आदि वेदी का सारा सामान उस पर रखे और उसके ऊपर सुइसों की खालों का ओहार बिछाकर वेदी के डंडों को लगाए। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढाप चुके तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए पर किसी पवित्र वस्तु को न छुए, कहीं ऐसा न हो कि वे मर जाए। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्तुएं हैं और जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलीजार को रक्षा के लिए सौंपी जाए वे ये है, अर्थात उजियाला देने के लिए तेल और सुगंधित धूप और नित्य अन्न बलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके कुल सामान। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नाश न होने देना। उनके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के समीप आए तब न मरे परंतु जीवित रहे, अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उनकी सेवकाई और उनका भार ठहरा दे और वे पवित्र वस्तुओं के देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने न पाए, कहीं ऐसा न हो कि मर जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गिर्शनियों की भी गिनती उनके पितरों के घरानों और कुलों के अनुसार कर। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को सेना में भर्ती हो उन सबों को गिन ले। सेवा करने और भार उठाने में गिर्शोनियों के कुलवालों की यह सेवकाई हो, अर्थात वे निवास के पटों और मिलाप वाले तंबू और उसके ओहार
और उसके ऊपर वाले सुइसों की खालों के ओहार और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे और निवास और वेदी की चारों ओर के आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियों और उनमें बरतने के सारे सामान, इन सबों को वे उठाया करें और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वह सब भी उनकी सेवकाई में आए। और गेर्शोनियों के वंश की सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्रों के कहने से हुआ करे, अर्थात जो कुछ उनको उठाना और जो जो सेवकाई उनको करनी हो उनका सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करो। मिलाप वाले तंबू में गेर्शोनियों के कुलों की यही सेवकाई ठहरे और उन पर हारून याजक का पुत्र इतामार अधिकार रखे। फिर मरारियों को भी तू उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन ले। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को सेना में भर्ती हो उन सबों को गिन ले। और मिलाप वाले तंबू में कि जिन वस्तुओं के उठाने की सेवकाई उनको मिले वे ये हो, अर्थात निवास के तख्ते, बेड़े, खंबे और कुर्सियां और चारों ओर के आंगन के खंबे और उनकी कुर्सियां, खुंटे, डोरियां और भांति भांति के बरतने का सारा सामान और जो जो सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए उनमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन दो। मरारियों के कुलों की सारी सेवकाई जो उन्हें मिलाप वाले तंबू के विषय करनी होगी वह यही है, वह हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में रहे। तब मूसा और हारून और मंडली के प्रधानों ने कहातियों के वंश को उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की अवस्था के जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे उन सबों को गिन लिया। और जो अपने अपने कुल के अनुसार गिने गए वे 2,750 थे। कहातियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसी के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। और गेर्शोनियों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे उनकी गिनती उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार 2,630 थी। गेर्शोनियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। फिर मरारियों के कुलों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार 3,200 थी। मरारियों के कुलों में से जिनको मूसा और हारून ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी गिन लिया वे इतने ही थे। लेवियों में से जिनको मूसा और हारून और इस्राएली प्रधानों ने उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन लिया अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने और बोझ उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे उन सबों की गिनती 8,580 थी। ये अपनी अपनी सेवा और बोझ ढोने के अनुसार परमेश्वर से कहने पर गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार वे गिने गए। गिनती की पुस्तक अध्याय 5। गिनती की पुस्तक अध्याय 5। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे
कि वे सब कोढ़ियों को और जिनों के प्रमेह हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो उन सबों को छावनी से निकाल दे। ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री छावनी से निकालकर बाहर कर दे, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच मैं निवास करता हूं उनके कारण अशुद्ध हो जाए। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकालकर बाहर कर दिया, जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था, इस्राएलियों ने वैसा ही किया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष व स्त्री कोई ऐसा पाप करके जो लोग क्या करते हैं यहोवा का विश्वासघात करे और वह प्राणी दोषी हो, तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरे मूल में पांचवा अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे जिसके विषय दोषी हुआ हो। परंतु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुंबी न हो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए, तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर दिया जाए वह याजक का हो और वह उस प्रायश्चित वाले मेंढे से अधिक हो जिससे उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इस्राएली उठाई हुई भेंट करके याजक के पास लाए वे उसी की हो। सब मनुष्यों की पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की ठहरे, कोई जो कुछ याजक को दे वह उसका ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री कुचाल चलकर उसका विश्वासघात करे और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु यह बात उसके पति से छिपी हो और खुली न हो और वह अशुद्ध हो गई, परंतु न तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और न वह कुकर्म करते पकड़ी गई हो और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपने स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हो गई हो वा उसके मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वह अशुद्ध न हुई हो, तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एपा का दसवां अंश जव का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल न डाले न लोबान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला अर्थात अधर्म का स्मरण कराने वाला अन्न बलि होगा। तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ी करे और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि पर की धूली में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ी करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्न बलि को जो जलाने वाला है उसके हाथों पर धर दे और अपने हाथ में याजक कड़ुआ जल लिए रहे जो शाप लगाने का कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ धरवा कर कहे कि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म न किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस कड़ुए जल के कुएं से जो शाप का कारण होता है बची रहे, पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो गई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो और याजक उसे शाप देने वाली शपथ धराकर कहे, यहोवा तेरी जांघ सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करे, अर्थात वह जल जो शाप का कारण होता है तेरी अतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांघ को सड़ा दे, तब वह स्त्री कहे आमीन आमीन। तब याजक ये शाप के शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड़ुए जल में मिटा के उस स्त्री को वह कड़ुआ जल पिलाए जो शाप का कारण होता है और
वह जल जो श्राप का कारण होता स्त्री के पेट में जाकर कड़ुआ हो जाएगा, और याजक स्त्री के हाथ में से जलने वाले अन्न बलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंचाए, और याजक उस अन्न बलि में से उसका स्मरण दिलाने वाला भाग अर्थात मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए, और उसके बाद स्त्री को वह जल पिलाए, और जब वह उसे पी चुके तब यदि वह अशुद्ध हुई हो और अपने पति का विश्वासघात किया हो तो वह जल जो श्राप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़ुआ हो जाएगा और उसका पेट फूलेगा और उसकी जांग सड़ जाएगी और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच शापित होगा। पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई हो और शुद्ध ही हो तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी हो सकेगी। जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपनी स्त्री पर जलने लगे तो वह उसको यहोवा के सन्मुख खड़ी कर दे और याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे। तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी। गिनती की पुस्तक अध्याय 6। गिनती की पुस्तक अध्याय 6। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि जब कोई पुरुष व स्त्री नाजीर की भांति मन्नत अर्थात अपने आप को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने तब वह दाख मधु आदि मदिरा से न्यारा रहे, वह न दाख मधु का न और मदिरा का सिरका पिए और न दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए चाहे हरी हो चाहे सूखी। जितने दिन यह न्यारा रहे उतने दिन तक वह बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उसमें से कुछ न खाए। फिर जितने दिन उसने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुरा न फिराए, और जब तक वे दिन पूरे न हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्यारा रहे तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बढ़ाए रहे। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए, चाहे उसका पिता व माता व भाई व बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध न हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए न्यारे रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने न्यारे रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरा रहे, और यदि कोई उसके पास अचानक मर जाए और उसके न्यारे रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात सातवें दिन अपना सिर मुंडाए, और आठवें दिन वह दो पंडुक व कबूतरी के दो बच्चे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के पास याजक के पास ले जाए, और याजक एक को पाप बलि और दूसरे को होम बलि करके उसके लिए प्रायश्चित करे, क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है, और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे और वह अपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए न्यारे ठहराए, और एक वर्ष का एक भेड़ का बच्चा दोष बलि करने के लिए ले आए, और जो दिन इससे पहले बीत गए हो वे व्यर्थ गिने जाए, क्योंकि उसके न्यारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। फिर जब नाजीर के न्यारे रहने के दिन पूरे हो उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था है, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुंचाया जाए, और वह यहोवा के लिए होम बलि करके एक वर्ष का एक निर्दोष भेड़ का बच्चा पाप बलि करके और एक वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची
और मेलबलि के लिए एक निर्दोष मेंढा और अखमीरी रोटी की एक टोकरी अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी पपड़िया और उन बलियों के अन्नबलि और अर्घ ये सब चढ़ावे समीप ले आए। इन सबको याजक यहोवा के सामने पहुंचाकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए और अखमीरी रोटी की टोकरी समेत मेंढे को यहोवा के लिए मेल बलि करके और उस मेल बलि के अन्न बलि और अर्घ को भी चढ़ाए। तब नाजीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुंडाकर अपने बालों को उस आग पर डाल दे जो मेलबलि के नीचे होगी। फिर जब नाजीर अपने न्यारे रहने के चिन्ह वाले सिर को मुंडा चुके तब याजक मेंढे का पकाया हुआ कंधा और टोकरी में से एक अखमीरी रोटी और एक अखमीरी पपड़ी लेकर नाजीर के हाथों पर धर दे और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए। हिलाई हुई छाती और उठाई हुई जांघ समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह नाजीर दाखमधु पी सकेगा। नाजीर की मन्नत की और जो चढ़ावा उसको अपने न्यारे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा उसकी भी यही व्यवस्था है। जो चढ़ावा वह अपनी पूंजी के अनुसार चढ़ा सके उससे अधिक जैसी मन्नत उसने मानी हो वैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के अनुसार उसे करना होगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहा कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना कि यहोवा तुम्हें आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा।